आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। पंजाब में पराली जलाने के 1700 नए मामले, हरियाणा के कई इलाकों में AQI बेहद खराब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र आदिवासियों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगा। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू टीम ने वॉकी टॉकी से जाना 40 मजदूरों का हाल, पाइप से खाना पानी की सप्लाई की जा रही है। फ्यूल खत्म होने से कब्रिस्तान बनता जा रहा है गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल, एक साथ दफनाए गए 179 शव। बाइडेन के भाषण के बीच हुआ जबरदस्त हंगामा, गाजा में युद्ध विराम के समर्थन में लगे जोरदार नारे। मुंबई पुलिस अधिकारी को साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन फ्रॉड से 4 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। मलाड में मामूली विवाद पर युवक की हत्या, रहवासियों ने पुलिस पर किया पथराव। नरम पाव में मरी हुई चिपकली निकलने की घटना भिवंडी में पेश आई है, अगर आप भी नाश्ते में पाव खाते हैं तो एक बार चेक जरूर कर लें। अगले 4 दिनों तक मुंबई, ठाणे सहित पालघर जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। टिटवाला रेलवे स्टेशन के पास यात्री महिला से दुष्कर्म, रेलवे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।